सोशल मीडिया के जो नुकसान हमें और आपको माशरे में देखने को मिल रहे हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि सोशल मीडिया झूठ को फैलाने का बहुत बड़ा जरिया। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो मैसेजेस आते हैं, उनमें मैसेजेस में से एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिनका ताल्लुक झूठ से होता है। और यही झूठी बातें अगर इनका ताल्लुक शरीयत से हो तो ये और बड़ा जुर्म। मौजू हदीसे, मनगढ़ंत हदीसे, ज़ईफ हदीसे, कोई मैसेज आया पढ़ के फौरन हमने सैकड़ों को फॉरवर्ड कर दिया। जरूरी है मेरे लिए, आपके लिए, कोई भी हदीस, कोई भी खबर, कोई भी मैसेज, उसको फॉरवर्ड करने से पहले तहकीक करना जरूरी है, वरना क्या हो जाएगा। प्यारे नबी ने फरमाया, कफा बिल मरई कदीबन युहदिथ बिकुल्लि मा समिअ, आदमी के झूठा होने के लिए काफी है कि वो हर सुनी बात को जो है बताने लगे, सुनाने लगे। तो लिहाजा सोशल मीडिया से इस्तेफादा कीजिए जरूर, उलमा से भी रुजू कर लिया कीजिए, उलमा से पूछ लीजिए यह हदीस सही है क्या, ये जो मसला बताया गया सही है क्या, तहकीक के बाद पता चला हदीस सही है, तहकीक के बाद पता चला खबर सही है, तहकीक के बाद पता चला फतवा सही है, और फिर उसको फॉरवर्ड कीजिए, अजर व सवाब से नवाजे जाओगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं नौजवानों से कि सोशल मीडिया से फायदा मत उठाइए, जरूर उठाइए, मगर उलमा की निगरानी में रहिए, खुद को उलमा से बेनियाज मत समझिए।